तो दोस्तों आज हम सीखेंगे क्रोम ब्राउज़र से कैसे अपना यूट्यूब चैनल को डिलीट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब चैनल को डिलीट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, इसमें सर्च ऑप्शन में youtube.com लिखिए, youtube.com सर्च ऑप्शन में youtube.com आ गया, इसे सर्च करिए। उसके बाद ये ऊपर में थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करिए। डेस्कटॉप साइट को ये डेस्कटॉप साइट को टिक मारिए। डेस्कटॉप साइट टिक मारने के बाद ये आपका डेस्कटॉप साइज में आ गया। तो इसमें मेरा प्रोफाइल में जाना, थोड़ा जूम करने के बाद में आपको प्रोफाइल में टिक करना है। प्रोफाइल में टिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। इसमें डाउन डाउन देखिए, सेटिंग में, सेटिंग में मारना है। सेटिंग में मारने के बाद में लेफ्ट साइड में इसे तानी है। उसके बाद देखिए यह में एडवांस सेटिंग है, नीचे में एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में टिक करिए। राइट साइड में देखिए डिलीट चैनल आ गया, डिलीट में टिक किया है। मैं टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट इज यू इंटर योर पासवर्ड, तो इसमें एक बार पासवर्ड मार देना है। ईमेल का पासवर्ड डालना है जिससे चैनल क्रिएट किया था। पासवर्ड मारने के बाद में आपको नेक्स्ट में मारना है। नेक्स्ट ये हमें देखिए आई वांट टू हाइड माय चैनल, अगर आप चैनल को हाइड करके रखना चाहता है तो ऊपर वाला ऑप्शन को टिक करिए। नीचे लिखा है आई वांट टू परमानेंट डिलीट माय चैनल, तो आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहता है तो नीचे वाला ऑप्शन को टिक करिए। यह हमें आया है, देखिए सर्कल है एक, तो इस सर्कल में टिक कर दीजिए डिलीट माय कंटेंट। अभी नीचे वाला डिलीट माय कंटेंट में टिक कर दीजिए, डिलीट माय कंटेंट इसमें मारिए। प्लीज कंफर्म बाय टाइपिंग इन योर ईमेल एड्रेस, अभी ईमेल एड्रेस पर टाइपिंग करने बोल रहे हैं। एक बार कंफर्म करने के लिए हम टाइपिंग कर रहे हैं bea.com, ईमेल आईडी को एक बार टाइप कर देना है। उसके बाद अभी थोड़ा राइट साइड आइए, डिलीट माय कंटेंट में टच कीजिए। यह में लिखा है देखिए रिमूव YouTube content, your content is being deleted, your content is in the process of being permanently deleted, usually this take a few minutes but I can take up to a couple of days if you have a lot of content, मतलब थोड़ा सा समय दिया जाता है अगर आप गलती से डिलीट किया ही बोलने से तो थोड़ा समय लेगा, थोड़ा समय के बाद ये अपना आप डिलीट हो जाएगा।